हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है एक यूरोप की एक शेंजी जोन की एक ऐसी कंट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कर शॉर्टेज है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोग अप्लाई नहीं करते उस कंट्री का। लोग पुर्तगाल का, इटली का, इस तरह फ्रांस, स्पेन वगैरह कंट्री का अप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से उनके वीज़े रिजेक्शन हो जाते हैं। उन्हें बहुत सारे पैसे उनसे एजेंट्स लोग जो हैं वो ले लेते हैं, लेकिन वीज़ा उनको फिर भी नहीं मिलता। मैं आपको ऐसी एक कंट्री के बारे में बताऊँगा जिसका वीज़ा फीस ओनली 100 यूरो है। आप कहीं भी बैठ के अप्लाई कर सकते हो। आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, आपको बताऊंगा उसके बेनिफिट्स के बारे में, उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या फ़ीस वगैरह है, क्या किस तरीके से हमें अप्लाई करना चाहिए, कौन से लिंक्स हैं, उन सब टॉपिक्स पर बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DAhmad0490। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर ट्रैवलिंग के बारे में, मुख्तलिफ़ कंट्री के वीज़ाज़ के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा कि हम किसी दूसरी कंट्री में कैसे मूव हो सकते हैं कहीं भी बैठ के। ठीक है, आपको पूरा प्रोसेस, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ठीक है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ एस्टोनिया के बारे में। एस्टोनिया जो है शेंजी जोन की एक कंट्री है, ये यूरोपीय यूनियन के अंदर आती है। अगर आपके पास इसका वीज़ा होगा, वर्क वीज़ा, तो आप 90 डेज़ तक शेंजी जोन की 27 कंट्रीज़ में रह सकते हैं, किसी दूसरी कंट्रीज़ में मे बी 90 डेज़ तक। ठीक है, इन 1 ईयर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह इसके जो वीज़ा फ़ीस है, जो एस्टोनिया है इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो सिर्फ और सिर्फ 100 यूरो है। आप 100 यूरो देंगे, एप्लीकेशन अपनी आप सबमिट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो उसके बाद आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे 100 यूरो। तो वो आप उन्हें देने के बाद तो वो आपको वीज़ा दे देंगे, आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा, और जो आपका जो वीज़ा होगा वो एक्सटेंडेबल होगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में भी। तो इसकी जो अगर आप बात कर रहा हूँ, अगर मैं उसकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता हूँ, तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आता है आपका वैलिड पासपोर्ट। आपका 1 साल का वीज़ा लगेगा, तो आपकी वैलिडिटी पासपोर्ट की कोशिश करें 2 साल से ज़्यादा हो। इस तरह 2 फोटोज़ होगी, आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपने फिल करना होता है, वो किधर से लेना है, कहाँ से लेना है, वो इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा आपको। और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपने एक डॉक्यूमेंट्स होता है वो साथ में आपने ऐड करना होता है, वो 30,000 यूरो से आप जिस होम, आपकी जो होम कंट्री है वहाँ से आपने हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स ये तैयार करवाना होता है, 10 से 15 हज़ार का ये तैयार हो जाता है। ठीक है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, अगर आप वहाँ पर जा रहे हो तो वहाँ पर वर्क वीज़ा पर जा रहे हो तो आप रहोगे कहाँ, अगर आपकी कंपनी आपका वीज़ा उठा रही, आपका जो अकोमोडेशन के बारे में उठा रही है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स दे रही है तो ठीक, अगर नहीं तो आपने बुक करनी है। ठीक है, उन्हें दिखाना है रेंटल एग्रीमेंट कि मैं सर मैं यहाँ पर काम करूँगा, ये उसके पास एक रूम है, मैं इसमें रहूँगा वगैरह वगैरह। ठीक है, कवर लेटर, आपने कवर लेटर के बारे में, अपने कवर लेटर में इसमें आपने एक अपना लिखना है जो इस वीज़े की जान भी है, आपने वहाँ पर लिखना है कि सर मैं यहाँ पर जाऊँगा और ये मेरा कंपनी है, ये इस जगह पर मैं इतनी देर रहूँगा और ये मेरा प्रोसेस है। तो इस तरह आप करके ना आपने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन उन्हें बता देनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप उन्हें अपने कवर लेटर में सारी इन्फॉर्मेशन दोगे, तो उसके बाद आपने एक डॉक्यूमेंट्स और तैयार करना है, वो है PCC। PCC कहते हैं पुलिस क्रेडिटर सर्टिफिकेट को। ठीक है, वो आपने एक तैयार करवाना है अपना, तो वो आपके जो पुलिस क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी ऐसे आप कह सकते हैं, तो वो आपने तैयार करवाना है जो आपके पास जिस ज़िले में होंगे आप, जिस सिटी में होंगे, तो उसके आपके जो पास जो पुलिस स्टेशन होगा आपने उससे ले लेना है। इसमें कि आया कि वो चेक करते हैं, इसमें आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है। इसके बाद आपने अपना डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होता है, अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप थोड़े से पढ़े हुए हैं तो आपने अपनी CV करनी है, ऐड करनी है, तो बता देना कि मेरा ये डिप्लोमा है, ये मेरी डिग्री है, तो ये मैं पढ़ा हुआ। तो आपने, तो अगर आप अब यानी आपके जो जिस वीज़े के रिलेटेड आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जब एम्प्लॉयर होगा वो आपकी CV देख चेक करेगा, चेक करने के बाद आपका जो वीज़े का जो प्रोसेस है वो उधर करेगा। वो करेगा क्या कि वो जो बॉर्डर की उनकी पुलिस होती है या उनके पुलिस या उनके गार्ड होते हैं, वो जो बॉर्डर के ऊपर गार्ड होते हैं वो आपका वीज़ा लगवाएंगे, जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो उनसे वीज़ा लेगा, आपके जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वो उनसे लगवा के आपको देगा। ठीक है, तो इस तरह ये होगा। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं आपको बात करूं तो 10 से 15 दिन है। ठीक है, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है सिर्फ 10 से 15 दिन है। तो जब आपकी एप्लीकेशन सब मिल जाएगी आपको, आप अपनी एप्लीकेशन अप्रूवल आपको हो जाएगी, आपको जो इनविटेशन लेटर मिल जाएगा वर्क वीज़े का, उसके बाद जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, वो जस्ट 30 डेज़ में आपको जो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो अगर आप
इसके बेनिफिट्स के बाद में बारे में बात करें तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसकी जो सैलरी है वो जो लोएस्ट सैलरी अगर बात की जाए तो 1150 यूरो है, लेकिन इससे जो नॉर्मल इस वक्त जो मिल रही है एस्टोनिया के अंदर जो लोगों को जो वहाँ पर फॉरनर्स जो काम करते हैं, नॉर्मल, मैं ये नॉर्मल फॉरनर्स कह रहा हूँ, जो क्लीनर वगैरह हो गए या छोटे छोटे लेवल में रेस्टोरेंट्स के वेटर वगैरह हो गए, तो उनके अंदर तो उनकी जो सैलरी है वो 1500 यूरो से अप होती है, तो इस तरह 5000 यूरो तक होती है। यानी आप इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तानी इस तरह अपनी करेंसी के हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 3500 2000 यूरो नॉर्मल मिलती है उन्हें, ठीक है। तो इस तरह ओवर टाइम लगाएंगे तो और ज़्यादा मिलेगी उन्हें। तो ये डी टैप वीज़ा है एस्टोनिया का, ठीक है। तो डी टैप वीज़ा कहते हैं लॉन्ग टर्म वीज़े को एस्टोनिया के, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इसकी एम्बेसी किधर किधर है, अगर पाकिस्तान में बात करें तो आप पाकिस्तान में इस वीज़े के लिए एस्टोनिया की एम्बेसी नहीं है, आपको VFS ग्लोबल दुबई या तुर्की से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर इंडिया में है तो इंडिया में एस्टोनिया की एम्बेसी है, आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बांग्लादेश में भी इसी तरह है, नेपाल में, श्रीलंका में भी इसी तरह है, ठीक है। आपने वहाँ पर देख लेनी है और आपने अपना अप्लाई कर देना है, और आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे और जो यूट्यूब है वो दूसरे भाइयों तक भी वीडियोस पहुँचाएगा, तो इस तरह आपको जो और आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ताकि यूट्यूब दूसरों को वीडियोज़ दे और वो भी लोग देखें, और वो भी कहीं भी बैठ के जो गरीब जो नॉर्मल जो जिनके जो अब पाकिस्तान से इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में मूव होना चाहते हैं वो इजीली मूव हो सकें उनको, और उसके लिए आपने इस वीडियो को शेयर एंड इस चैनल को लाइक भी करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, मैं आपको कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको जवाब दूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे वहाँ पर भी जाकर मुझसे बात कर सकते हैं पर्सनली भी, ठीक है। तो अब बहुत से भाई सोच रहे होंगे, अहमद भाई आपने सैलरी के बारे में, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में, बेनिफिट्स के बारे में, रिक्वायरमेंट्स के बारे में और वीज़ा कॉस्ट के बारे में बता दिया कि 100 यूरो है वीज़ा कॉस्ट, तो आपने सब बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अप्लाई कैसे करना है, ये भी बता दिया कहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कहाँ से करना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है आपने, वहाँ पर आपको लिंक्स मिलेंगे, ठीक है। उन लिंक्स के ऊपर आपने जो मेरी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक भी कर लेना है और आपने वहाँ पर देख के आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी प्रोसेस था। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो किसी और टॉपिक्स पर चाहिए तो आप मुझे ज़रूर मैसेज अपने कॉमेंट्स में बताना। अगर आप किसी और क्वेश्चन हो, आप किसी और टॉपिक पर भी तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए अपने दोस्त एमओ को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।